गई थी 27 जनवरी 1967 की। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। यस्टरडे द मुरली दैट वॉज बीइंग नरेटेड एट सूरत वॉज डेटेड 27 जनवरी 1967। द रिकॉर्ड प्लेड इज तू प्यार का सागर है, दैट इज यू आर एन ओशन ऑफ लव। और पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं 1000 भुजाएं। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहते हैं। एंड द मैटर दैट वॉज बीइंग नरेटेड एट द एंड ऑफ द मिडिल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट पेज वॉज सो मच इंक्रीज इन नंबर्स टेक्स प्लेस थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। इट इज सेट फॉर ब्रह्मा ओनली 100 arms 1000 arms। सो मेनी आर्म्स आर नॉट मेंशन फॉर विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के लिए ही क्यों कहते हैं कि इतनी भुजाएं? कोई कारण तो होगा। वाई आर सो मेनी आर्म्स मेंशन ओनली फॉर ब्रह्मा? देर मस्ट बी सम रीजन। मददगार भुजाएं इतनी क्यों? ब्रह्मा को इतनी भुजाएं क्यों, शंकर और विष्णु को क्यों नहीं? Someone said, helpful arms. Why so many helpful arms? Why Brahma has been depicted with so many arms? Why not Shankar and Vishnu? शंकर और विष्णु को तो भगवान के रूप में गाया पूजा जाता है, इतने मंदिर बनाए जाते हैं, इतनी मूर्तियां बनाई जाती है, इतनी पूजा होती है, ब्रह्मा की तो इतनी पूजा होती भी नहीं, फिर उनको इतनी भुजाएं क्यों दे दी? इतने सहयोगी उनको क्यों हो गए? शंकर एंड विष्णु आर प्रेस्ड एंड वर्शिप्ड एज गॉड। सो मेनी टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड, सो मेनी आइडल्स आर प्रिपेयर्ड, सो मच वर्शिप टेक्स प्लेस। ब्रह्मा इज नॉट वर्शिप्ड सो मच, देन व्हाई हैज ही बीन गिवन सो मेनी आर्म्स? व्हाई डिड ही गेट सो मेनी हेल्पर्स? अरे संपूर्ण नहीं, इसलिए ज्यादा ज्यादा भुजा बन जाते हैं, ज्यादा सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए भुजाएं दे दी है कि जो ज्यादा सहन करता है, बहुत सहनशील होता है, उसके सब सहयोगी बन जाते हैं। Someone said he is not complete. Are? He is not complete. Is it why he gets more arms? Is it why they become more helpful? Yes, he has been given arms because everyone extends cooperation to the one who tolerates a lot, the one who is very tolerant. थोड़ा कड़क स्वभाव का होता है तो उसके नजदीक आने से भी डरते हैं। तो माँ है, नाम ही है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। एंड पीपल आर अफ्रेड टू इवन कम नियर एनीवन हु हैज अ लिटिल स्ट्रिक्ट नेचर। ही इज अ मदर, हिज नेम इटसेल्फ इज ब्रह्म माँ, बड़ी माँ, दैट इज सीनियर मदर। कैसी बड़ी माँ? और दुनिया में माताएं होती हैं, चाहे जैसे भी बच्चे हों, साधारण माताएं भी होती हैं, उनके चाहे जैसे बच्चे हों, दुष्ट हों, लुच्चे लफंगे हों, बहुत दुख देने वाले हों, तो भी माँ उन बच्चों को अपने गोद से अलग नहीं करना चाहती। विच काइंड ऑफ सीनियर मदर? देर आर अदर मदर्स इन द वर्ल्ड, हाउएवर देयर चिल्ड्रन मे बी। देर आर ऑर्डिनरी मदर्स ऑल्सो, हाउएवर देयर चिल्ड्रन मे बी। दे मे बी विकेट, दे मे बी वेगाबॉन्ड्स और लोफर्स, दे मे बी कॉसिंग अ लॉट ऑफ सोरोस, इवन देन The mother will never wish to separate them from her lap. तो साधारण माता, और वो तो माताओं की भी माँ है, तो उसमें तो कितनी ही सहन शक्ति होगी। कोई बच्चा जिसने प्रैक्टिकल उनका प्यार लिया, ये नहीं कह सकता चाहे 2 मिनट 10 मिनट ही क्यों न मिला हो,
कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। दिस इज अ मैटर ऑफ ऑर्डिनरी मदर्स एंड ही इज द मदर ऑफ मदर्स, सो हाउ मच टॉलरेंस विल ही पोसेस? एनी चाइल्ड हु हैज रिसीव्ड प्रैक्टिकल लव फ्रॉम हिम, इवन इफ ही हैज मेट हिम फॉर 2 मिनट्स 10 मिनट्स, cannot say that Baba did not give me love. 2 मिनट भी मिला होगा तो भी उसके अंदर से ये आवाज आती है, वो बोलता है कि बाबा ने दुनिया में हमको जितना प्यार दिया, स्नेह दिया, वाइब्रेशन दिया, इतना और किसी ने नहीं दिया। इवन इफ ही हैड मेट हिम फॉर 2 मिनट्स, इवन देन अ साउंड कम्स फ्रॉम हिज हार्ट, ही सेज दैट द लव, द अफेक्शन, the vibrations that Baba gave me in the world, nobody else gave me that much. ये तो ठीक, ये प्यार, सहानुभूति, सहन शक्ति, माँ का आगार हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ इसका? So this is all right. Mother was a storehouse of love, affection, sympathy and tolerance. But what was its result? यज्ञ के आदि में जो सख्त पार्ट बजाने वाला था ज्ञान सूर्य, वो चला गया और जितने भी विधर्मी बच्चे थे उन सब ने माँ का आधार ले लिया। The son of knowledge who played the strict role at the beginning of the yagya departed and all the heretic children took the support of the mother. चाहे चंद्रवंशी रहे हों, चाहे इस्लाम वंशी रहे हों, चाहे बौद्ध वंशी रहे हों, चाहे क्रिश्चियन वंशी रहे हों, जितने भी उतरती कला के थे सबने किसका आधार लिया? माँ का आधार लिया। Whether they were चंद्रवंशी, those belonging to the moon dynasty, whether they were इस्लाम वंशी, whether they were बौद्ध वंशी, whether they were Christian Vanshi, whose support did all those with the decreasing degree of soul power take? They took the support of mother. La pasand nahi kiya, sirf love pasand kiya. To baat banegi ya bigadegi? Bigadegi. Sirf love mein baat bigadti hai aur sirf love mein bhi baat bigadti hai. They did not like law. They liked only love. So will the issue be solved or will it worsen? Everyone said it will worsen. Any matter worsens in case of only love and in case of only law also. तो ब्रह्मा को तो ढेर भुजाएं बन गई, ब्रह्मा को ढेर सहयोगी बन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सहन किया, इतना इतना सहन किया कि अंत समय में हार्ट भी फेल हो गया। सो अ लॉट ऑफ आर्म्स ऑफ ब्रह्मा गॉट रेडी, लॉट ऑफ सोल्स बिकेम हेल्पफुल टू ब्रह्मा बिकॉज ही टॉलरेटेड अ लॉट, ही टॉलरेटेड सो मच दैट इन द एंड हिज हार्ट ऑल्सो फेल्ड। दिल को ऐसा आघात पहुंचा कि वो सहन नहीं कर सके, प्राण पखेरु उड़ गए, इतना भी सहन कर लिया, उसके बावजूद भी बच्चों के प्रति रहम की भावना। ही गॉट सच अ शॉक दैट ही कुड नॉट टॉलरेट, ही लॉस्ट हिज लाइफ, ही टॉलरेटेड टू दैट एक्सटेंट, इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैड अ फीलिंग ऑफ मर्सी टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। इतने साल हो गए शरीर छोड़े छोड़े, तो भी उम्मीद लगी हुई है कि ये बच्चे सुधर जाए, लेकिन कुत्ते की पूछ 12 साल तक डंडे से बांध के रखी जाए तो भी वो सीधी नहीं होती, क्यों? सो मेनी इयर्स हैव पास्ड सिंस ही लेफ्ट द बॉडी, इवन देन ही हैज अ होप दैट Children will get reformed. But even if the tail of a dog is tied with a stick for 12 years, it does not become straight. Why? क्योंकि वो हाथ में कल्प कल्प अंतर,
कन्वर्ट होती रही है और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे करके जाती रही है दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म खंड में भारत की गिलानी करवाती रही और दूसरे धर्मों का मान मर्तबा बढ़वाती रही। इट इज बिकॉज दोज सोल्स कीप गेटिंग कन्वर्टेड इन एवरी कल्प एंड आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड दे हैव बीन डिसीविंग द इंडियंस एंड गोइंग टू अदर रिलीजियंस अदर रिलीजियस लैंड्स। They continued to cause the defamation of Bharat and increase the respect and position of other religions. उनमें संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए इसी मुरली में कल की वाणी में बाबा ने बोला ये बच्चे मेरे काम के नहीं है। कौन? जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत माना कानून, ला सच संस्कार्स आर रिकॉर्डेड इन देम। दैट इज वाई इन दिस मुरली इटसेल्फ इन यस्टरडेज वाणी बाबा हैज सेड दीज चिल्ड्रन आर ऑफ नो यूज टू मी हु द वंस हु डू नॉट फॉलो द श्रीमत ऑफ फादर। श्रीमत मीन्स कानून, लॉ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? हमारा संविधान कौन सा है? बाबा की वाणी ही हमारा संविधान है, हमारा कायदा कानून है। तो जो कायदे कानून पर नहीं चलते हैं, सिर्फ लव को बहुत महत्व देते हैं। वॉट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन? वॉट इज अवर संविधान? बाबास वाणी इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अवर रूल्स एंड रेगुलेशंस। So those who do not follow the rules and regulations and give importance only to love, और वो भी लव किसका? देहधारी का लव हुआ या निराकार सुप्रीम सोल का लव हुआ? देहधारी का लव हुआ। And whose love is that? Is it a love of a bodily being or is it a love of incorporeal supreme soul? It is a love of bodily being. वो देहधारी का प्यार जो है वो कभी भी संपन्न नहीं बना सकता। तो उनकी भुजाएं तो हो गई ढेर। दैट लव ऑफ बॉडीली बींग कैन नेवर मेक एनी वन परफेक्ट, देयरफॉर ही हैज न्यूमरस आर्म्स। लेफ्टिस्ट भुजाएं भी 500 दी और राइटियस भुजाएं भी 500, हजार भुजाएं ब्रह्मा को दिखाते हैं, हजार सहयोगी दिखाते हैं, विष्णु को भी चार भुजाएं दिखाते हैं और शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते। जगन्नाथ के मंदिर में जो थी दो वो भी कट जाती। देर वेर 500 लेफ्टिस्ट आर्म्स ऑल्सो एंड 500 राइटिस्ट आर्म्स ऑल्सो। ब्रह्मा इज शोन टू हैव 1000 आर्म्स, ही इज शोन टू हैव 1000 हेल्पर्स। Vishnu is also shown to have 4 arms and Shankar is not shown to possess extra arms. In the temple of Jagannath, even those 2 arms that were there get cut off. ये क्या चक्कर है? क्योंकि जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है और श्रीनाथ सिर्फ श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ है। वॉट इज दिस कन्फ्यूजन? इट इज बिकॉज जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड श्रीनाथ इज द लॉर्ड ऑफ जस्ट द सुपीरियर सोल्स। जो श्रीनाथ है वो श्रेष्ठ आत्माओं को संरक्षण देता है, स्वामी बनता है, उनका स्वामित्व स्वीकार करता है और जो जगन्नाथ है सारे जगत का संरक्षण करता है। श्रीनाथ गिव्स प्रोटेक्शन टू द सुपीरियर सोल्स, ही बिकम्स देयर लॉर्ड, ही एक्सेप्ट्स देयर लॉर्डशिप एंड जगन्नाथ प्रोटेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड। देवताएं हो उनको भी वरदान देता है और राक्षस हो उनको भी वरदान देता है, सबका कल्याण चाहता है। ही ग्रांट्स बून्स टू द डीटीज as well as the demons.
ही wants everybody's benefit. जो अच्छे स्वभाव वाले हों उनका कल्याण करना, कल्याण चाहना, और जो बुरे स्वभाव वाले हों उनका कल्याण चाहना, फर्क क्या है? Causing or wishing for the benefit of those with a good nature and wishing the benefit of those with a bad nature, what is the difference? दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति भी होती है अच्छा अच्छा हप हप कड़वा कड़वा थू थू. तो भगवान में और सामान्य मनुष्य में अंतर होना चाहिए कि नहीं? क्या अंतर है? It is the common tendency of the world. Whatever is good should be mine. And whatever is bitter is discarded. Therefore, should there not be a difference between God and an ordinary human being? भगवान सबके लिए एक जैसा है. भगवान के दिल में, भगवान के दिमाग में किसी के प्रति पक्षपात नहीं हो सकता. Everyone said there should be a difference. What is the difference? God treats everyone equally. There cannot be any partiality in the heart of God, in the intellect of God, towards anyone. जो अच्छे हैं वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाना है. अगर बुरों को अच्छा नहीं बनाया गया तो नई दुनिया स्वर्ग नहीं बनेगा. Those who are good anyway, but those who are bad should also be made good. If the bad are not made good, then the new world heaven will not be created. सारी दुनिया स्वर्ग बने, लेकिन 500-700 करोड़ तो स्वर्ग में जाते नहीं है, लेकिन जो बन सकते हैं वो तो निकल सकते हैं. इसलिए बताया कि ला और लव दोनों चाहिए. The entire world should become heaven, but the 500 to 700 crores do not enter the heaven. But those who can become, at least they can emerge. That is why it has been said, both law and love are required. Law भी चाहिए और लव भी चाहिए. ब्रह्मा ने अति का प्यार दिया, अति का दिखावा कर दिया. Law is also required and love is also required. Brahma gave too much love. He displayed too much. ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल. कृष्ण की सोल की कृष्ण को जो राशि है वो किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से. कृष्ण और क्राइस्ट की राशि क्यों मिलाई जाती है? कुछ बातों में समानता तो रही होगी ना. ब्रह्मा सोल मीन्स द सोल ऑफ कृष्ण. विद हुम इज द जोडियक साइन ऑफ द सोल ऑफ कृष्ण कम्पेयर्ड? It is compared with Christ. Why are the zodiac signs of Krishna and Christ compared? There must be some similarity in some aspects, isn't it? Christians में भी दिखावा बहुत होता है प्यार का. अंदरूनी प्यार नहीं होता, लेकिन बाहर का दिखावा बहुत करेंगे. वो कहाँ से सीखा Christians ने? कृष्ण से. Christians also show off a lot of love. There is no internal love, but they make a lot of outward display of love. Where did the Christians learn it? From Krishna. Krishna जो है वो ऐसा पात्र है कि महाभारी महाभारत युद्ध कराए देता है. यज्ञ के आज में भी झगड़ा हुआ था. बच्चों को अपने फेवर में करने के लिए इतना प्यार दिखाया कि बाप से जुदा हो गए खुद भी, और सारा जीवन दुख भोगा, परेशान रहे, और परेशानी में ही शरीर छोड़ दिया. कृष्ण इज सच अ कैरेक्टर हु कॉसेस द महाबारी महाभारत वॉर. इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ ऑल्सो देर वॉज अ डिस्प्यूट. ही डिस्प्लेड सो मच लव टू गेट चिल्ड्रन इन हिज फेवर that he himself got separated from father and suffered sorrows for the entire life. He remained troubled and left his body in troubled circumstances.
एक कहावत है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो गोलू में पेरा जाता है। वक्र चंद्रमा अग्रसेन राहु, चंद्रमा टेढ़ा है तो राहु उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता, चंद्रमा सीधा साधा हो जाता है, गोल बटोल हो जाता है, चंद्रमा उसके ऊपर आक्रमण कर, वो राहु उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। There is a saying, the one who is very sweet causes his own destruction. Look, the sweet sugar cane is crushed in the kolu, that is the crusher. Vakra chandrama agrasena rahu. When the moon is crooked, then Rahu will not attack it. When the moon becomes simple, when it becomes round, then Rahu attacks it. To na jyada sahanshil hona chahiye. इतना सहनशील नहीं होना चाहिए कि बौद्धियों की तरह बुद्धू बनाकर बैठे। विधर्मियों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया, बीवी बार बच्चों को उठाने उठा के ले जाने लगे और उन्होंने हाथ उठा दिए। सो वन शुड नॉट बी वेरी टॉलरेंट, वन शुड नॉट बी सो टॉलरेंट दैट वन कमिट्स अ फूलिशनेस लाइक द बुद्धिस्ट, द हेरिटिक्स दैट इज विधर्मीज मुस्लिम्स अटैक्ड। They started kidnapping the wives and children, and these people raised their arms in defeat. ये सहनशीलता हुई, अहिंसा परमो धर्म हुआ या कायरता हुई? ऐसे कायरता कहेंगे, जहाँ सहन करना है वहाँ उतना ही सहन करना है, और जहाँ सामना करना है वहाँ सामना करना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, और वो बच्चे बिगड़ गए। Is it tolerance? Is it ahimsa paramo dharma, that is non-violence is the highest religion, or is it cowardice? It will be called cowardice. We must tolerate only to the limit to which we must tolerate, and it is also necessary to face situations wherever we have to do it. Otherwise, children will get spoiled, and those children got spoiled. Oi parampara mein jo brahma ne parampara chalai, उसी में ब्रह्म कुमारियां भी चल रही है। बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे और ब्रह्म कुमार कुमारी बाहर से कोई समझ नहीं सकता कितने मीठे क्यों हैं, और अंदर से एकदम मैले हुए पड़े, अंदर एक और बाहर दूसरा। बाबा कहते ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। द ब्रह्म कुमारीज आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम ट्रेडिशन विच ब्रह्मा स्टार्टेड। फ्रॉम द आउटसाइड such brahmakumar brahmakumaris speak very sweetly. Nobody can understand from their outward behavior as to why are they so sweet, and from inside they are very dirty. Baba says that a person who is someone from inside and a different one outside cannot come close to me. Nazdik nahi aa sakta ka matlab kya hua? Mere nazdik mana main kaun? Shiva. शिव ज्योति बिंदु या शिव कोई प्रैक्टिकल में स्वरूप है, प्रैक्टिकल में स्वरूप है, जो मुकर रहते हैं वही शिव का स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप है। वॉट इज मेंट बाय कैनॉट कम क्लोज इन द फ्रेज क्लोज टू मी, हु इज मी? शिव। इज इट शिव द पॉइंट ऑफ लाइट, और इज देयर एनी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ शिव ऑल्सो? देर इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म, the chosen chariot that is mukarar rath is the form of shiv, the practical form. Us practical roop ke nazdik ka matlab jo sangam yug mein swarg sthapan hona hai, narse narayan banne wali jo rajai hai, us rajai mein radha krishna wali atma utni nazdik nahi aa sakti. Coming close to that practical form means the heaven that is going to be established in the confluence age, the kingship of getting transformed from a man to Narayan, in that kingship the souls of Radha and Krishna cannot come so close. Unke sare followers utne nazdik nahi aa sakte jitne Rudramala ke Suryavanshi bacche nazdik aa jayenge. Kyon nahi aa sake? All their followers cannot come as close to father as the Suryavanshi children of the Rudramala. Why couldn't they come? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ला और लव का बैलेंस नहीं होता। कोई कहे शंकर में कहां लव का बैलेंस है, वो भी तो लाफुल है। व्हाई कैन नॉट दे कम?
it is because there is no balance between love and law. If someone says, where is the balance of love in Shankar? He is also lawful. Lawful? Upar-upar se dekha jaye to lawful hai. Lekin bhakti marg mein jo yadgar hai Ardhanarishwar ki, aadha purush roop, aadha stri roop. Wo kai ki yadgar? If we observe superficially, he is lawful. But the reminder of Ardhanarishwar, that is famous in the path of worship, half male form and half female form. What does it remind us of? Love or law ke balance ki yadgar. Jisko avyakta vani mein kaha gaya hai, baap dada ka combined roop hai. Baap mana Ram, dada mana Krishna. That is also a reminder of the balance of love and law, which is termed in the Avyakta Vani as the combined form of Bap Dada. Bap, that is father, means Ram. Dada, that is elder brother, means Krishna. Bap aur Dada, ye dono atmae combined roop mein ek sharir ke dwara part bajati. Bap and Dada, these two souls play their part in a combined form through one body. Dada mane Krishna ki soul? माता के रूप में पार्ट हो जाती है और बाप के रूप में पार्ट बजाता है. दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अर्धनारीश्वर प्रवृत्ति मार्ग का चैतन्य जीता जागता पुतला कहा जाता है. दादा दैट इज द सोल ऑफ कृष्ण प्लेज द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मदर एंड फादर ही प्लेज द रोल एज अ फादर. द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अर्धनारीश्वर is said to be a living idol of path of household. तो अब समझ में आया कि ब्रह्मा को इतनी भुजाएं क्यों हो जाती है, इतने सहयोगी क्यों बन जाते हैं और शंकर और विष्णु को इतने सहयोगी नहीं बनते. So now we understand that why has Brahma been shown to possess so many arms? Why do so many souls become his helpers? And why so many souls do not become the helpers of Shankar and Vishnu? क्या कारण बताया? लव वो लव ही लव ही लव ऊपर से दिखावाई दिखावा दिखावाई दिखा अंदर से चाहे घुल रहे हो चाहे मर रहे हो चाहे अंदर से जान निकल रही हो लेकिन बाहर से दिखावा करना तो ये आत्मा का घात नहीं हुआ. व्हाट इज द रीजन? दैट वाज लव लव एंड ओनली लव. That was just an outwardly show off, and only show off. Whether one may be suffering from within, one may be dying from within, but is making a show off from outside. So is it not like killing the soul? अपनी जीव घात हुआ ना, आत्मा ने अंदर से दुख भोगा, बाहर से दूसरों को सुख दिया, तो ना उनका सुख होना संपन्न हो सकता है जिनको दिया, और ना अपना संपन्न हो सकता है. सही रास्ता क्या है? सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर. वो खींच खींच के जैसे सुख दिया बच्चों. इट इज अ किलिंग ऑफ द सोल, अ सुसाइड, इजंट इट? द सोल एक्सपीरियंस्ड सोरोज फ्रॉम इनसाइड, इट गेव हैप्पीनेस टू अदर्स फ्रॉम आउटसाइड. सो नाइदर द हैप्पीनेस कैन बी कम्प्लीट फॉर दोज टू हुम इट वॉज गिवन, नॉर कैन इट बी कम्प्लीट फॉर वन सेल्फ. वॉट इज द करेक्ट वे? वॉट एवर इज ऑब्टेन्ड इजिली इज लाइक मिल्क. Whatever has been obtained on seeking is like water, and whatever has been snatched is equal to blood. It was as if the happiness was given to the children under compulsion. जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों को कैसे परवरिश करती है? सर्दी की रात है, बच्चे ने पेशाब कर दी, पेशाब की साइड में रात भर लेटी रहेगी और असुख है वो बच्चों को लिटाएगी. तो ये मात्र वात्सल्य का ये नमूना ये पेश किया शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा. जस्ट एज देर आर मदर्स, इजंट इट? हाउ डज अ मदर सस्टेन हर चिल्ड्रन? इट इज अ कोल्ड नाइट, चाइल्ड हैज यूरिनेटेड. द मदर कीप्स लाइंग बिसाइड्स द यूरिन थ्रू आउट द नाइट एंड विल प्रोवाइड द चाइल्ड अ ड्राई प्लेस टू स्लीप. सो शिव बाबा प्रेजेंटेड अ सैंपल ऑफ दिस मदरली अफेक्शन थ्रू ब्रह्मा और दुनिया को ये दिखाया कि माताएं
भारतीय परंपरा में खास माताओं का ये रूप होता है कि बचपन है तो बाप के अधीन है, शादी हो जाती तो पति के अधीन है, पति ने खुदा नखास्ता शरीर छोड़ दिया तो जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, उनके अधीन रहेंगे। And he showed to the world that mothers, especially in the Indian tradition, have a form that in the childhood she is under the father. When she gets married, she lives under the husband. By chance, if husband leaves his body, then the elder children show their rudeness. She lives in their subordination. जहाँ तक वर्षे की बात है, बच्ची को वर्षा मिलता नहीं। अभी मिलने लगा है क्योंकि जब से शिव बाबा आए हैं तो बच्चियों को भी वर्षा मिलने लगा। उससे पहले 2500 साल कभी बच्चियों को वर्षा भारतीय परंपरा में नहीं मिलता था, हकदार नहीं होती थी, बाप से वर्षा नहीं मिलता था। As far as the inheritance is concerned, a female child does not get it. Now they have started getting it because ever since Shiv Baba has come, the daughters have also started getting the inheritance. Before that, for 2500 years, daughters never used to get inheritance in the Indian tradition. They were not entitled. They did not used to receive inheritance from father. बच्ची बड़ी हुई, पत्नी बनी। सारी प्रॉपर्टी का पति हकदार, पत्नी हकदार नहीं। कहने के लिए अर्धांगिनी। Daughter grows up to become a wife. The husband is entitled to the entire property. Wife is not entitled. She is Ardhangi, that is half partner for the name's sake. उसके बाद जब बच्चे होते हैं, पति न हो, शरीर छोड़ दे, तो सारी property के बच्चे हकदार, माँ को कोई कोई हिस्सा नहीं। ऐसा क्यों? Later on, when the children are born, if the husband is not present, if he leaves his body, then the sons are entitled to the entire property. Mother does not get any share. Why is it so? जब माँ इतना सहन करती है तो ऐसा क्यों? ये सहन करती है या मोह के वसीभूत होकर के सहन करती है? तो मोह विकार है या निर्विकार है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो जितने भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उन सब का मूल है मोह। When mother tolerates so much, then why is it so? Does she tolerate or does she tolerate out of attachment? Someone said out of attachment. So is attachment a vice or is it viceless? It is a vice. मोह सकल व्याधिन कर मूला, attachment is the root cause for all the diseases. इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पाले तो समझो वो जीत गई, विजयी हो गई। तो बोला कि घर में भी ऐसे ही होता है, घर में जो बच्चे आतताई होते हैं ना, वो माँ की तरफदारी ले लेते हैं। That is why it has been said in the Avyaktavani that if mothers gain victory over attachment, then you can think that they have gained victory. They have become victorious. So it has been said that it happens similarly in a house also. The tormented children in a house take sides with the mother. दुष्ट बच्चे हैं ना, बाप तो सहन नहीं करता, दुनाई पिटाई कर देगा। माँ जो है उनको संवर्धन करती है, तो माँ की तरफदारी ले लेते हैं, बाप की तरफदारी नहीं लेते। तो यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ। They are wicked children, isn't it? Father does not tolerate. He will beat and spank them. Mother fosters them. So they take sides with mother. They do not take sides with father. So in the beginning of the yagya, a similar thing happened. जो सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे थे, बीज रूप बच्चे थे, बीज माना बाप, बाप समान बच्चे थे, वो सब चले गए। और जितने भी आतताई गिरती कला वाली आत्माएं थी, चंद्रवंशी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन, गिरती कला वाली है ना, उन सब ने ब्रह्म का आधार
आधा ले लिया. द सन एंड द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द सन डायनेस्टी द सीड लाइक चिल्ड्रन. सीड मीन्स फादर. ऑल द फादर लाइक चिल्ड्रन डिपार्टेड एंड ऑल द टॉर्मेंटर सोल्स विद द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ सोल पावर द चंद्रवंशीज सोल्स बिलोंगिंग टू द मून डायनेस्टी द इस्लामिक सोल्स द बुद्धिस्ट द क्रिश्चियंस ऑल आर द सोल्स विद द डिक्रीजिंग लेवल ऑफ सोल पावर इजंट इट. ऑल ऑफ देम टुक द सपोर्ट ऑफ ब्रह्मा. लंबे समय तक ये ऐसा यज्ञ चलता रहा. उसका रिजल्ट ये हुआ कि मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा कैंसर में, गले से बोलती रही, सुना किसी ने नहीं. द यज्ञ कंटिन्यूड लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. द रिजल्ट वॉज दैट फर्स्ट मम्मा लेफ्ट हर बॉडी ड्यू टू कैंसर. शी कंटिन्यूड टू स्पीक विद हर थ्रोट बट नोबडी लिसन्ड. और ब्रह्मा ने भी जो बुद्धि में ऐसा अटैक हुआ, दिल को ऐसा दर्द हुआ कि वो उस दर्द को सहन नहीं कर सके और वो भी प्राण प्रभुरी होकर के उड़ गए. एंड ब्रह्मा ऑल्सो कुड नॉट टॉलरेट द अटैक दैट टुक प्लेस ऑन हिज इंटेलेक्ट एंड द पेन दैट ही फेल्ट इन हिज हार्ट एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ. भले शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बावजूद भी अभी भी वो आत्मा उन बच्चों का कल्याण चाहती है. अच्छा, उन बच्चों का कल्याण चाहती है, लेकिन क्या विश्व कल्याण ही बन सकती है? Although he left his body, in spite of having left its body, that soul still desires the benefit of the children. Okay, it wants the benefit of those children. But can it become world benefactor, Vishwa Kalyani? वो अगर विश्व कल्याणी बने होते तो उनके फॉलोअर्स भी विश्व कल्याणी बने होते. विश्व कल्याण का मतलब है जितने भी 500 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबका कल्याण करेगा. Had he become a world benefactor himself, then his followers would also have become world benefactors. World benefit, Vishwa Kalyan, means benefactor for all the 500 to 700 crore human souls that are present. एक का कल्याण करना और एक का न करना उसको विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता. तो वो बुद्धि में बात नहीं आती. क्या क्या बात नहीं आती? उनकी बुद्धि में ये आ नहीं सकता कि गीता का भगवान कोई दूसरा हो सकता है. अ सोल दैट कॉसेस बेनिफिट टू वन एंड नॉट टू अनदर कैनॉट बी कॉल्ड वर्ल्ड बेनिफैक्टर. सो दैट मैटर डज नॉट फिट इन टू द इंटेलेक्ट. वॉट विच मैटर डज नॉट स्ट्राइक दियर इंटेलेक्ट. इट कैनॉट स्ट्राइक दियर इंटेलेक्ट दैट द गॉड ऑफ गीता कैन बी समवन एल्स. कृष्ण की सोल की ही बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि गीता का भगवान साकार में कोई, अगर बैठेगा भी तो इतना बैठेगा गीता का भगवान निराकार ज्योतिबिंदु शिव है. अगर गीता का भगवान निराकार ज्योतिबिंदु शिव है तो गीतापति भगवान हुआ ना. इट इज नॉट फिटिंग इन टू द इंटेलेक्ट ऑफ द सोल ऑफ कृष्ण हिमसेल्फ दैट देर इज अ गॉड ऑफ गीता इन कॉर्पोरियल फॉर्म. इवन इफ इट फिट्स इन टू हिज इंटेलेक्ट इट विल फिट टू द एक्सटेंट that the God of Gita is incorporeal point of light Shiv. If God of Gita is incorporeal point of light Shiv, then he is the Gita Pati God, isn't it? That is husband of Gita. Gita Pati hua, to saakar hoga ya nirakar hoga? Saakar. Shiv to Jyoti Bindu hai. Bindu ki bachche, Bindu. Wo to baap aur bachche ka sambandh hua. Shiv ka sambandh Jyoti Bindu atmao ke saath dusra sambandh nahi ban sakta. If he is Gita Pati, then will he be corporeal or incorporeal? Someone said he would be corporeal. Shiv is a point of light. Children of a point are points. That is a relationship of a father and a child. Shiv cannot have any other relationship with the point of light souls. Kya sambandh ban sakta hai sir? Atma, Supreme Soul, Baap aur Bacche.
दूसरे संबंध तभी ही बनेंगे जब वो साकार शरीर में प्रवेश करे। पति का संबंध भी तभी ही बनता है। विच इज द ओनली रिलेशनशिप दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड, सोल एंड द सुप्रीम सोल, फादर एंड चिल्ड्रन। अदर रिलेशनशिप्स विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन ही एंटर्स इनटू कॉर्पोरियल बॉडी। द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड इज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड एट दैट टाइम ओनली। तो जो संबंध बनते हैं उन संबंधों का कनेक्शन इंद्रियों से होता है। कोई न कोई इंद्रियों का स्पेशल विशेष प्यार होता है जिसके आधार पर वो संबंध बनते हैं। सो द रिलेशनशिप्स दैट आर फॉर्म्ड, द कनेक्शन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स इज विद ऑर्गन्स। देयर इज अ स्पेशल लव थ्रू सम ऑर द अदर ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ विच दोज रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड। तो पति का संबंध जो है वो भी तब ही बन सकता है जबकि वो साकार में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो गीता माता भी कोई साकार में है, गीता पति भगवान भी कोई साकार में। सो द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड ओनली व्हेन दैट सुप्रीम सोल एंटर्स इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म। सो देर इज अ मदर गीता ऑल्सो इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म, देर इज अ गीता पति गॉड ऑल्सो इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म। यज्ञ के आदि में कोई गीता माता थी जिस गीता माता में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन सुनाया। किसको? प्रजापिता को। इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ देयर वाज अ मदर गीता इन हुम सुप्रीम सोल शिव हैड एंटर्ड एंड नरेटेड द डिवाइन विजन्स ऑफ ब्रह्मा बाबा टू हुम टू प्रजापिता। प्रजापिता में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और प्रवेश करके जो भी साक्षात्कारों का रहस्य है वो सुना दिया। गीता माता ने सुना और दूसरों को सुनाया। द सुप्रीम सोल एंटर्ड इन टू प्रजापिता एंड नरेटेड द सीक्रेट्स ऑफ द डिवाइन विजन्स। मदर गीता हर्ड इट एंड नरेटेड इट टू अदर्स। तो गीता माता के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन हुआ फिर? प्रजापिता हुआ ना। तो जो कंट्रोलर है वो ही पति होना चाहिए, वो ही पति है। अब गीता माता की बुद्धि में भी अगर ये बैठ जाए कि गीता का भगवान कृष्ण है तो रिजल्ट क्या होगा? सो हु वाज द वन हु कंट्रोल्ड मदर गीता? इट वाज प्रजापिता, इजंट इट? सो द वन हु इज द कंट्रोलर मस्ट बी द हस्बैंड, इजंट इट? ही इज द हस्बैंड। नाउ If it fits into the intellect of Mother Gita also that the God of Gita is Krishna, then what will be the result? पाप हो जाएगा या पुण्य होगा? पाप हो गया। माता और बच्चे का संबंध हट करके पति का संबंध बन जाए तो जुल्म हो गया। ये गलती जब से होती है तभी से यज्ञ का पतन शुरू हो जाता। Will it be a sinful deed or a pious deed? It will be a sin. If the relationship of mother and a child turns into a relationship of a husband and wife, then it is an atrocity. Ever since this mistake is committed, the decline of yagya begins. Abhi bhi Krishna ki soul, mana Brahma ki soul, jis asli Jagadamba mein pravesh karke part bajati hai, उस जगदम्बा की बुद्धि में भी ये अभी तक नहीं बैठ पा रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज का स्वरूप नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। नाउ इवन नाउ इट इज नॉट फिटिंग इन टू द इंटेलेक्ट ऑफ द रियल जगदम्बा इन हुम द सोल ऑफ कृष्ण दैट इज द सोल ऑफ ब्रह्मा एंटर्स एंड प्लेज इट्स रोल दैट The God of Gita is not Krishna. Form of Dada Lekraj is not the God of Gita. God of Gita is Shiv Shankar Bholenath. अगर ये एक बुद्धि सुलझ जाए, एक आत्मा के अंदर से सुलझ जाए तो सबका कल्याण हो जाए। इसलिए बोला एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। ये आधार हो गई कौन? माता। If this puzzle gets solved, if this puzzle is solved in the intellect of one soul, then everybody will be benefited. That is why it has been said, when one becomes sinful, then everyone becomes sinful.
When one becomes pure, then everyone becomes pure. She becomes the base, Aadhar. Who? Mother. Aadhar mana Dharani. जैसे धरणी के ऊपर सब टिके हुए हैं, हवा में तो नहीं टिकते, आकाश में तो नहीं टिकते, धरणी में टिकते हैं, पानी में भी एक जगह नहीं टिक सकते। पांच तत्वों में एक ही तत्व धरणी ऐसा है, पृथ्वी तत्व, जिस पर सब टिकते हैं। बेस मीन्स अर्थ, धरणी। जस्ट एज एवरीवन इज बेस्ड ऑन अर्थ, नोबडी कैन स्टे इन द एयर, nobody can stay in the sky. Everybody is based on the earth. Even in water, one cannot remain static at one place. Earth is the only element among the five elements on which everything is based. और ये धरणी माता है। माता जैसे पहले छोटा रूप होता है, बच्ची का रूप होता है, जवान होती है तो भी छरहरी बदन की होती है, फिर जब माता बनती है तो धीरे धीरे फैलने लगती है, विकारी जब बनती है। एंड दिस इज मदर अर्थ। जस्ट एज अ मदर हैज अ स्मॉल फॉर्म फर्स्ट, अ फॉर्म ऑफ अ डॉटर व्हेन शी इज यंग, इवन व्हेन शी ग्रोस अप हर बॉडी इज एजाइल और डेलिकेट, देन व्हेन शी बिकम्स अ मदर देन हर बॉडी स्टार्ट्स ग्रोइंग स्लोली, बॉडी स्टार्ट्स टू स्प्रेड व्हेन शी बिकम्स विशियस। कन्या से जब विकारी बनती है तो फैलने लगती है, ऐसे ही पृथ्वी का हिसाब भी है। When she gets transformed from a virgin to a vicious person, then her body starts growing. Similar is the case with earth. जब तक सतयुग त्रेता में कन्या का रूप रहा पृथ्वी का, तब तक निर्विकारी होने के कारण भारत का ही जम्बूद्वीप छोटा सा स्थान था सारी दुनिया में, जहाँ स्वर्ग में देवी देवताएं पलते थे। Until earth had a form of a virgin in the golden and silver age, till then, because of being viceless, there was only one continent, a small place of India in the entire world, where deities got sustenance in heaven. The form was agile. और जैसे ही विकारियों ने प्रवेश किया, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने 2500 साल पहले द्वापर युग में कर दिया। एंड एज सून एज द विशियस सोल्स एंटर्ड, व्हेन अब्राहम बुद्ध क्राइस्ट एंटर्ड 2500 इयर्स अगो इन द कॉपर एज, दे क्रिएटेड ड्यूअलिज्म। ये द्वैतवाद जब से शुरू होता है, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, और आपस में जो विष्णु का रूप था जो सतयुग त्रेता में, वो छिन्न हो जाता है, टूट जाता है, सब पति पत्नी घर घर में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एवर सिंस दिस ड्यूअलिज्म स्टार्ट्स, टू किंगडम्स बिगिन, टू रिलीजियंस बिगिन, टू ओपिनियंस बिगिन, एंड द फॉर्म ऑफ विष्णु दैट एग्जिस्टेड इन द गोल्डन एंड सिल्वर एज बिकम्स वीक, डिसइंटीग्रेट्स। ऑल द हस्बैंड्स एंड वाइफ्स कीप फाइटिंग विद ईच अदर इन एवरी हाउस होल्ड। वो विष्णु का रूप बन नहीं सकता, माना उस समय से निवृत्ति मार्ग शुरू हो जाता है, प्रवृत्ति टूट जाती है। दैट फॉर्म ऑफ विष्णु कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड, इट मीन्स दैट द पाथ ऑफ रिनंसिएशन बिगिन्स फ्रॉम दैट टाइम, द हाउस होल्ड डिसइंटीग्रेट्स। ये प्रवृत्ति जो तोड़ना है, उसका कारण क्या हुआ? विकृति, विकार। कन्या जब विकारी बनती है तो विकृत होती है। वॉट वॉज द रीजन फॉर द डिविजन ऑफ द हाउस होल्ड? विकृति दैट इज डिफेक्ट, विकार दैट इज वाइसेस। व्हेन अ वर्जिन बिकम्स विशियस देन शी बिकम्स डिफेक्टिव, विकृत। विकृत होती है फिर दुखी होती है। तो ये पृथ्वी भी पहले सिर्फ भारत खंड थी, दूसरा कोई भी खंड इस पृथ्वी पर नहीं था। When she becomes defective, she becomes sorrowful. So this earth was also limited to the land of India only, Bharat Khand. There was no other land. There was no other land on this earth. जब से ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आने लगे,
तो इस्लामियों के आने के साथ साथ अरब देश भी ऊपर आ गए। महात्मा बुद्ध के आने के साथ साथ चीन, जापान ये देश भी, पूर्वी देश भी ऊपर आ गए, पृथ्वी का रूप बढ़ गया। फिर क्राइस्ट आए तो यूरोप और ये अमेरिका भी समुद्र तल से ऊपर आ गए। कितना विस्तार हो गया पृथ्वी का। एवर सिंस दिस इस्लामिक बुद्धिस्ट क्रिश्चियन स्टार्टेड कमिंग देन विद द अराइवल ऑफ द इस्लामिक पीपल the Arab countries, that is the Arab lands, also emerged. With the arrival of Mahatma Buddha, countries like China, Japan and Eastern countries also emerged. The form of earth increased. Then, when Christ arrived, Europe and America also emerged from the ocean bed. The earth expanded so much. Lekin vikrat roop ho gaya. Kya? उतना आकर्षण नहीं रहा जितनी आकर्षण में पृथ्वी या प्रकृति का रूप सत्व प्रधान पहले था। सत्युग आदि में कितना सुख देती थी, कोई काम धंधा किसी को नहीं करना पड़ता था। बट इट बिकेम डिफेक्टिव, दैट इज विकृत। वॉट इट नो लॉन्गर रिमेन्ड एज अट्रैक्टिव एज इट यूज टू बी। अर्थ नो लॉन्गर रिमेन्ड एज अट्रैक्टिव और द फॉर्म ऑफ नेचर did not remain as pure as it was at the beginning of the golden age. It used to be so pleasant. Nobody had to do any job or business. Khana, peena, pehna, ohna, sab kuch muhaiya karti thi prakriti. Aur ab sara parivar kamata hai. Sara parivar नाक रगड़ रहा है पेट के लिए, फिर भी पूर्ति नहीं। और जो खाता पीता है उसमें भी केमिकल मिला हुआ है। नेचर यूज टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू ईट, ड्रिंक, वेयर एंड कवर। एंड नाउ द एंटायर फैमिली अर्न्स, एंटायर फैमिली इज रबिंग इट्स नोज फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द स्टमक। इवन देन इट इज नॉट इनफ एंड वॉट एवर द फैमिली इज ईटिंग इज ऑल्सो मिक्सड विद केमिकल्स। वो केमिकल मिला हुआ अन्न फल और सब्जियां खाने से बुद्धि और ही ज्यादा भ्रष्ट होती जा रही है। वो केमिकल खेतों में भी डाला जा रहा है। केमिकल माना खाद। बाबा कहते हैं सत्युग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग में खाद पड़ती है। By eating those chemical mixed food grains, fruits and vegetables, the intellect is becoming even more corrupt. That chemical is being used in the fields also. Chemical means fertilizer, khad. Baba says, after the golden age, mixturity takes place in the silver, copper and iron age. Yeah, treta mein chandi ki khad padi. Sone mein agar chandi mila diya jaye, to mix ho gaya na? Kimat? Kimat kam ho gayi. Dwapar mein taambe ki khad padi. Aur kimat kam ho gayi. What? The mixturity of silver took place in the Treta Yuga, Silver Age. If silver is mixed in gold, then it becomes a mix, that is an alloy. Does it not? The cost will get reduced. The mixturity of copper took place in Dwapar, that is Copper Age. The cost reduced further. फिर कलयुग में लोहे की खाद डाल दी। ऐसी विकृत आत्माएं ऊपर से उतरती हैं। तो और ज्यादा विकृति आ गई। तो ये खाद पड़ने से जो धरणी है वो बंजर बनेगी या उपजाऊ बनेगी? बंजर। ये धरणी बंजर होती जा रही है। देन द मिक्सचरिटी ऑफ आयरन वॉज एडेड इन कलयुग, दैट इज आयरन एज। सिमिलरली द डिफेक्टिव सोल्स डिसेंड फ्रॉम अबव, सो मच मोर डिफेक्ट टुक प्लेस। सो बाय एडिंग दिस फर्टिलाइजर विल द अर्थ बिकम इनफर्टाइल और विल इट बिकम फर्टाइल? This earth is becoming infertile. इस वर्ष जितना खाद डाली जाए, यूरिया डाली जाए, यूरिया नाम दिया क्या? यूरिन, यूरिन से बनता है यूरिया। यूरिन माने पेशाब। पेशाब की औलाद है ना? आज की दुनिया किसकी औलाद है? पेशाब की औलाद। सत्युग में किसकी औलाद होती थी? श्रेष्ठ इंद्रियों की औलाद होती थी, दिव्य दृष्टि की औलाद। How much fertilizer? Urea should be added this year. A name of urea was coined. What? Urine.
यूरिया इज कॉइंड फ्रॉम यूरिन. यूरिन मीन्स पेशाब, द हिंदी वर्ड फॉर यूरिन. दीस आर प्रोजनी ऑफ पेशाब, इजंट इट? Whose progeny is today's world? It is a progeny of urine. Whose progeny used to be in the golden age? It used to be the progeny of righteous organs. Progeny of divine vision. दृष्टि दिव्य हो गई थी देवताओं के, बड़े बड़े नेत्र अच्छे अच्छे दिखाए जाते हैं आज भी. तो वो जो श्रेष्ठ है औलाद पैदा होती थी उसमें वाइब्रेशन कितना अच्छा होता होगा. उस वाइब्रेशन से प्रकृति के पांच तत्व साफ सुहाने बन गए थे. डीटीज हैड डेवलप्ड अ डिवाइन विजन. इवन टुडे दे आर शोन टू पोजेस लार्ज एंड नाइस आईज. सो द राइटियस चिल्ड्रेन हु यूज्ड टू बी बॉर्न मस्ट हैव हैड सच गुड वाइब्रेशंस. विद दैट वाइब्रेशन ऑल द फाइव एलिमेंट्स ऑफ द नेचर हैड बिकम प्लेजेंट. आज हर आदमी, हर आत्मा, हर एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देखती है. जब संशय पैदा होगा तो संशय आत्मा विनश्यति, खुद भी विनाश की ओर जाएगी और दूसरों को भी विनाश की ओर ले जाती है. टुडे एवरी पर्सन, एवरी सोल लुक्स एट ईच अदर विद अ विजन ऑफ डाउट. व्हेन अ डाउट इज क्रिएटेड देन अ डाउटिंग सोल विल गेट डिस्ट्रॉयड. संशय आत्मा विनश्यन्ते. इट विल इटसेल्फ मूव टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो टेक अदर्स टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. तो ये पृथ्वी में जितना जितना अभी, चाहे चैतन्य पृथ्वी हो और चाहे जड़ पृथ्वी हो, उसमें जितना जितना खाद पड़ रही है, खाद माने विकारों की खाद, व्यभिचार की खाद, ये जितनी जितनी खाद पड़ती है उतना ही मनुष्य का दुख बढ़ता चला जाता है. सो द मोर फर्टिलाइजर दैट इज मिक्सचरिटी इज एडेड टू द अर्थ, वेदर इट इज लिविंग अर्थ और द नॉन लिविंग अर्थ. मिक्सचरिटी दैट इज खाद और फर्टिलाइजर means the mixturity of vices, mixturity of adultery. The more this mixturity gets added, the more the sorrows of human beings is increasing. इसको कोई सुधारने वाला नहीं है. रास्ता आकर के परमात्मा सिखाता है. बाप आकर के बताते हैं, बच्चे अब ये खाद डालना बंद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. देर इज नोबडी टू करेक्ट दिस. द सुप्रीम सोल कम्स एंड टीचेस द पाथ. फादर कम्स एंड टेल्स, चिल्ड्रन नाउ स्टॉप एडिंग दिस मिक्सचरिटी ऑफ फर्टिलाइजर. बी प्योर, बी योगी, एंड देर इज नो अदर वे एक्सेप्ट दिस. एक से बुद्धि लगाओ, द्वापर से क्या हुआ, अनेकों से बुद्धि लगाना शुरू कर दिया, दृष्टि लगाना शुरू किया. दृष्टि विकृत हुई, बुद्धि भी विकृत हुई, इंद्रियां भी विकृत हुई. अब इंद्रियों में सुख भोगने की शक्ति भी नहीं रही, क्षणभंगुर सुख हो गया. फोकस योर इंटेलेक्ट ऑन वन. व्हाट हैपेंड सिंस द कॉपर एज? यू स्टार्टेड अटैचिंग योर इंटेलेक्ट विद मेनी. यू स्टार्टेड अटैचिंग योर विजन विद मेनी. The vision became defective. The intellect also became defective. The organs also became defective. Now there is no power in the organs even to enjoy the pleasures. The pleasure has become momentary. देवताओं का तो 24 घंटे का सुख था. उनको थकान ही नहीं होती थी, रात ही नहीं होती थी इसलिए. Deities used to enjoy pleasures for 24 hours. They never used to get tired. Hence, there used to be no night. अभी अगर रात होना बंद हो जाए तो आदमी परेशान हो जाए. इतनी थकान होती है, रात भी नहीं, रात होती है थोड़ा चैन मिलता है, वहां रात ही नहीं होती. जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है. Now, if the night fails to come, then man will become troubled. There is so much of exhaustion, and will there be no night? If there is night, then one gets a little relief. There used to be no night there. Just as the North Pole and the South Pole are such places on earth where there is day for 6 months and night for 6 months.
तो ऐसे स्वर्ग में लगातार 2500 साल तक रोशनी ही रोशनी में थे, वहां अंधेरा होता ही नहीं था। और अब द्वापर कलयुग से जब से द्वैतवाद आता है तब से दुनिया में अज्ञान अंधेरा आता। सो सिमिलरली द डीटीज वे कंटिन्यूअसली इन डे फॉर 2500 इयर्स, देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल देयर। एंड नाउ फ्रॉम द कॉपर एंड आयरन एज व्हेन द ड्यूअलिज्म बिगिंस, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस बिगिंस इन द वर्ल्ड। कोई एक सच्चाई बोले, एक पार्टी बोल रही है सत्य और दूसरी पार्टी उसका मुकाबला करके दूसरी बात बोल दे, तो सुनने वाला जो है संशय में पड़ जाएगा, सत्य ये है या सत्य ये है। आज के वकील तो सच्चे मुकदमे को भी झूठा साबित कर देते हैं। Someone speaks the truth, one party is speaking the truth and another party speaks something else in its opposition. So the listener gets into confusion whether this is true or that is true. Today's advocates prove even the true cases as false. तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब दुनिया पतन की ओर जाती है और सत्य छुप जाता है, असत्य बाहर आ जाता है। यही कारण हुआ कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं तो बन गईं, लेकिन सत्य छुपने लगा। Therefore, when the circumstance becomes such, when the world moves towards downfall and the truth is hidden, falsehood emerges out. This was the reason that Brahma got 1000 arms, but the truth began to be hidden. भले मुरली में बोलने वाला सत्य साईं बाबा शिव जी बोल रहा है, लेकिन वाणियों में जो सच्चाई है वो छुपी की छुपी रह गई। क्यों छुपी रह गई? क्योंकि बुद्धि विकृत होती गई। बुद्धि जब विकृत होती जाती है तो सच्चे अर्थ को पकड़ती नहीं। Although the true Sai Baba Shiv is speaking in the Murlis, but the truth in the Vanis remain hidden. Why did it remain hidden? It is because the intellect became defective. When the intellect goes on becoming defective, it does not grasp the true meaning. सच्चाई बाहर नहीं आएगी। जब सच्चाई बाहर ही नहीं आएगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी, तो सत्य साईं बाबा शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले तो सत्य प्रत्यक्ष हो। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। द ट्रूथ विल नॉट कम आउट, व्हेन द ट्रूथ विल नॉट कम आउट एट ऑल, व्हेन इट विल नॉट गेट रिवील्ड, देन विल द ट्रू साई बाबा शिव बाबा गेट रिवील्ड। फर्स्ट द ट्रूथ विल गेट रिवील्ड। ट्रूथ इटसेल्फ इज कॉल्ड नॉलेज। इट इज सेड सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य और असत्य ये दो की लड़ाई है। सत्य है शिव, राम बाप शिव वो है सत्य, और रावण है असत्य। असत्य माने अज्ञान और सत्य माने ज्ञान। सत्य दैट इज ट्रूथ एंड असत्य दैट इज फॉल्सहुड। It is a fight between these two only. Truth is Shiv, Father Ram Shiv. He is truth and Ravan is falsehood. Falsehood means ignorance and truth means knowledge. Satyai ko gyan kaha jata hai. Gyan, gyan mane jankari. Kai ki jankari? Satya ki jankari. To asatya ka bhanda phod जब सत्य संपन्न स्टेज में आ जाता है तब भंडा पूर्ण होता है। ट्रूथ इज कॉल्ड ज्ञान दैट इज नॉलेज। जान, जान मीन्स जानकारी, दैट इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट? इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ। सो व्हेन द ट्रूथ रीचेस इट्स कंप्लीट स्टेज देन द डिस्क्लोजर ऑफ फॉल्सहुड टेक्स प्लेस। अभी भी सत्य पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कौन सी बात रह गई सत्य प्रत्यक्ष होने में? गीता का भगवान, भगवान के ऊपर सारा मजा। इवन नाउ द ट्रूथ हैज नॉट गॉट रिवील्ड कम्प्लीटली। विच मैटर हैज बीन लेफ्ट आउट इन द रिवीलेशन ऑफ ट्रूथ? द गॉड ऑफ गीता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। जो गीतापति भगवान है उसको छुपा दिया गया। द्वापर के आदि में एकदम आदि में ऐसा नहीं था। द्वापर के आदमी फिर भी सात्विकता थी,
इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने भी ये बात बोली है, पाश्चात्य विद्वानों ने, यूरोपीय विद्वानों ने ये बात लिख करके रखी हुई है अपने ग्रंथों में कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी, उसमें बाद में जो साकार कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के स्वरूप को ज्यादा प्यार करने वाले थे, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। यही बाबा बताते द गीता पति भगवान दैट इज द गॉड द हस्बैंड ऑफ गीता has been hidden. In the beginning of the Copper Age, in the very beginning, it was not so. In the beginning of the Copper Age, there was some purity. That is why great scholars, the Western scholars, have also said this. The European scholars have written in their scriptures that initially Gita was a Nirakarvadi Rachna, which means a write-up that advocated God to be incorporeal. Later on, the worshippers of corporeal Krishna, who loved the form of Krishna more, they added the name of Krishna in that. This is what Baba tells. इस एक बात के ऊपर बुद्धि नहीं चलती कि एक तरफ तो हम कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, अभी तो उन्होंने वो किताबें छपाना बंद किया हुआ है, वो किताबें बाहर नहीं देते कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि बाहर के गुरु लोग तो इस बात से नाराज हो जाएंगे, वो उनको नाराज करना चाहते नहीं, तो सच्चाई को छुपा देते हैं। The intellect is not used on this one issue. On the one side, they say that God of Gita is not Krishna. Now they have stopped publishing those books also. Those books which say that Krishna is not the God of Gita are not given outside, because the gurus of the outside world will get upset on this issue. They do not want to upset them. So they conceal the truth. तो अभी तो उन्होंने ये समझाना, ये पॉइंट ही समझाना बंद कर दिया, क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन समझाना इसलिए भी बंद कर दिया कि एडवांस पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है उनके सामने कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लिख रहा है, वो ही तो साकार में गीता का भगवान हुआ, नहीं तो साकार में गीता का भगवान कौन। सो नाउ दे हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट इटसेल्फ, व्हाट दैट कृष्णा इज नॉट द गॉड ऑफ गीता, बट दे हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग ऑल्सो फॉर द रीजन that this matter is coming to them from the advance party, that the God of Gita is Krishna alias Dada Lekraj. He is the God of Gita in corporeal form. Otherwise, who is the God of Gita in corporeal form? जिसको तुम भगवान बनाए बैठे हो, वो साकार भगवान तुमने किसको बनाया? भगवान का साकार रूप क्या? ब्रह्मा कुमारियों ने तो गीता का भगवान साकार रूप में किसको माना? दादा लेखराज ब्रह्मा, और दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ही कृष्ण की सोल है, तो कृष्ण ही तो गीता का भगवान हो गया। द वन यू हैव मेड द गॉड, हुम हैव यू मेड द कॉर्पोरियल गॉड, व्हाट इज द कॉर्पोरियल फॉर्म ऑफ गॉड, हु डिड ब्रह्मा कुमारीज बिलीव टू बी द गॉड ऑफ गीता इन कॉर्पोरियल फॉर्म? It was Dada Lekraj Brahma. And the very soul of Dada Lekraj Brahma is the soul of Krishna. In that case, Krishna only became the God of Gita. Buddhi ko mati Brahma paida kar de, nahi, Bindu hai Gita ka bhagwan. Aur Krishna Gita ka bhagwan nahi hai. Are bhagwan hoga Gita ka, Gita pati bhagwan kaha jata hai, to uska pati hua na, uska controller hua na. Agar Gita ki buddhi mein ye baith jaye कि वो हमारा कंट्रोलर नहीं है, कृष्ण ही हमारा कंट्रोलर है, तो किसकी मत पर चलेगी? कृष्ण बच्चे की मत पर चल पड़ेगी। पुटिंग द इंटेलेक्ट इन एन इल्यूशन, नो, गॉड ऑफ गीता इज अ पॉइंट एंड कृष्ण इज नॉट द गॉड ऑफ गीता। अरे, इफ ही इज गॉड ऑफ गीता, ही इज कॉल्ड गीतापति भगवान, सो ही इज हर हस्बैंड, हर कंट्रोलर, इजंट इट? If it comes into the intellect of Gita that he, that is Shiv Shankar Bholenath, is not my controller, Krishna alone is my controller, then whom will she follow? She will start following the opinion of the child. और बच्चे की मत पर चलेगी, तो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो ब्रह्मा की सोल हो, चाहे वो इब्राहिम की सोल हो,
चाहे क्राइस्ट की सोल हो, ये सब बच्चे हैं, हैं सब देहधारी बच्चे। एंड इफ शी स्टार्ट्स फॉलोइंग द ओपिनियन ऑफ द चाइल्ड देन चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन एनी वे वेदर इट इज द सोल ऑफ ब्रह्मा वेदर इट इज द सोल ऑफ अब्राहम वेदर इट इज द सोल ऑफ क्राइस्ट ऑल दीज आर चिल्ड्रन ऑल दीज आर एम्बॉडीड चिल्ड्रन। देहधारियों की मत पर चलने से देहधारियों से प्यार करने से रिजल्ट नीचे गिरने का होगा, ऊंचे उठने का नहीं हो सकता। ऊंचा तभी उठा जा सकता है जब उस निराकारी स्टेज में रहने वाले संपन्न स्वरूप को पहचाना जाए। तो वो संपन्न स्वरूप उसके लिए बना है ऊंचे ऊंचे शिव बाबा, उसको कोई जानते ही नहीं। बाय फॉलोइंग द ओपिनियन ऑफ द बॉडीली बींग्स बाय लविंग द बॉडीली बींग्स The result will be downfall. It cannot result in upliftment. Upliftment is possible only when that complete form, that is, the one who remains in incorporeal stage, is recognized. So for that complete stage, it has been said, the highest of all, Shiv Baba. Nobody knows him at all. कोई जानते नहीं है माने, जो जानने वाले हैं उनकी बुद्धि में संशय निश्चय आता रहता है। अभी अभी निश्चय पैदा होता है कि यही भगवान का साकार सच्चा स्वरूप है, और अभी 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 निश्चय पैदा हो जाए। इसलिए मुरली में बोला, शंकर का पाठ ऐसा वंडर बोला है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। Nobody knows means that those who know, their intellect keeps passing through periods of doubt and faithlessness. In one moment they develop the faith that this is the true corporeal form of God, and in another moment they develop faithlessness. That is why it has been said in the Murli, the part or role of Shankar is so wonderful that even you children would not be able to understand it. Kaisa wonderful part hai, isliye bhagwan ko vichitra kaha jata hai. Kya vichitra part dhari hai? विचित्र है माना उसका कोई चित्र खींच नहीं सकते, बुद्धि तिरकती रहती है। हाउ वंडरफुल अ पार्ट इट इज, दैट इज वाई गॉड इज कॉल्ड विचित्र। वॉट ही इज अ विचित्र पार्ट धारी, दैट इज अ फॉर्मलेस एक्टर, अ वंडरफुल एक्टर। ही इज विचित्र मीन्स दैट नोबडी कैन टेक हिज फोटो, द इंटेलेक्ट कीप्स फ्लक्चुएटिंग। तो विष्णु शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा की सारी वंशावली है ना। भुजाओं की बात नहीं है, किसके लिए ना, प्रजापिता की बात बताई कि प्रजापिता की भुजाएं नहीं कहेंगे, 500 करोड़ 700 करोड़ भुजाएं कि सब उसके सहयोगी बनते हैं। उसके सहयोगी नहीं बनते, किसके सहयोगी बनते? ब्रह्मा के सहयोगी बन जाते हैं। देयरफॉर विष्णु शंकर विल नॉट बी सेट टू पर्सेस सो मेनी आर्म्स। व्हाई आर सो मेनी आर्म्स मेंशन फॉर ब्रह्मा ओनली? दिस इज द एंटायर डायनेस्टी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, इजंट इट? इट इज नॉट अ मैटर ऑफ आर्म्स फॉर हूम समवन सेड समथिंग। नो, it has been mentioned about Prajapita that the arms will not be said to belong to Prajapita. It will not be said that 500 to 700 crore arms will become his helpers. They don't become his helpers. Whose helpers do they become? They become the helpers of Brahma. वो भल कहते हैं कि हजार भुजाओं वाले ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि हजार भुजा का ब्रह्मा का अर्थ क्या है। सुनने वाले भी के हाँ हाँ करते रहते हैं। तुम अब प्रैक्टिकली में देखो कि ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। ऑल्दो दे से दैट ही इज अ थाउजेंड आर्म्ड ब्रह्मा, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग एज टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ थाउजेंड आर्म्ड ब्रह्मा। द लिसनर्स ऑल्सो कीप टेलिंग यस यस। यू नाउ ऑब्जर्व प्रैक्टिकली दैट हाउ मेनी आर्म्स डस ब्रह्मा हैव। प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली तो बहुत है, बेहद की वंशावली है,
माने 500-700 करोड़ इतनी बड़ी वंशावली और किसी आत्मा की नहीं। होती नहीं। क्राइस्ट के भी 100-150 करोड़ फॉलोअर्स होंगे दुनिया में, फिर भी जितनी प्रजापिता की वंशावली है उतनी क्राइस्ट की भी नहीं हो सकती। The dynasty of Prajapita Brahma is very large. It is an unlimited dynasty. It means that no other soul has such a big genealogy of 500 to 700 crores. Christ must be having a dynasty of 100 to 150 crores in the world. But even Christ cannot have as large a dynasty as that of Prajapita. बेहद की वंशावली है और ये है बुझाएं क्या ये 500 करोड़ नहीं है, कितनी है 1000 भुजाएं गई हुई है। हाँ ये है भुजाएं, इस समय 500 करोड़ मनुष्य है साकार में, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य एक के सहयोगी नहीं बनते। इट इज एन अनलिमिटेड डायनेस्टी एंड दीज आर द आर्म्स। व्हाट, दीज आर नॉट 500 करोड़, how many are there? 1000 arms are famous. Yes, these are the arms. At this time there are 500 crore human beings in corporeal form, but 500 crore human beings do not become the helpers of one. To 100 crore bhujaye ho gayi na, is samay 500 crore manushya hai sakar mein, तो 1000 करोड़ भुजाएं हो गई ना, प्रजापिता को तो सब मानते हैं। सो देर आर 100 crore, 1000 crore आर्म्स, isn't it? एट दिस टाइम देर आर 500 करोड़ ह्यूमन बींग्स हु आर इन द कॉर्पोरियल फॉर्म, सो देर आर 1000 करोड़ आर्म्स, isn't it? एवरीवन बिलीव्स इन प्रजापिता। माने एडम को, आदम को, सारी सृष्टि का जो पिता है उस एक को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। इट मीन्स दैट एवरीवन बिलीव्स इन एडम, आदम, द वन हु इज द फादर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बट नोबडी नोज द ऑक्यूपेशन ऑफ द वन हुम दे बिलीव। जिसको मानते हैं ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, सब ब्रह्म समाजियों को छोड़ करके, वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे, शैव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे, लेकिन आदम को सारी मनुष्य सृष्टि है, हर धर्म के लोग आदम एडम को मानते हैं। Whom do they believe in? No one except the Brahma Samajis believes in Brahma. Those belonging to the Vaishnav community will not believe. Those belonging to the Shaiv community will not believe. However, the entire human world, people of all the religions believe in Adam, Adam. तो मानते तो हैं प्रजापिता को, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है कि उन्होंने किया क्या जो सब मानते हैं। चलो सहयोगी नहीं बन पाते, इतनी ताकत ही नहीं है कि उसके सहयोगी बन सके। So they believe in Prajapita, but nobody knows the occupation. As to what did he do that everyone believes him? Okay, they are not able to become cooperatives. They do not have that much power to become his cooperatives. जैसे कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आदमी होता है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, तो उनकी फौज में सारे ही 40 करोड़ जितने भी भारतवासी थे सब क्यों नहीं भर्ती हो गए? थोड़े से लोग क्यों निकले? क्या उनका गलत रास्ता था? उनका रास्ता गलत नहीं था, उनका रास्ता सही था, उनके सहयोगी नहीं बन सके। सपोज देर इज अ वेरी बिग रेवोल्यूशनरी लाइक सुभाष चंद्र बोस हु वॉज देयर, सो वाई डिड ऑल द 40 करोड़ इंडियंस हु एग्जिस्टेड एट दैट टाइम नॉट जॉइन हिज आर्मी? वाई डिड वेरी फ्यू पीपल एमर्ज? वॉज हिज पाथ रॉन्ग? His path was not wrong. His path was correct. People could not become his cooperatives. और गांधी जी के
गीत बना दिए, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले। राधा वल्लभ तो कृष्ण कहा जाता है, बाबा ने भी मुरलियों में उनको गांधी जी बता दिए। एंड व्हाट अबाउट गांधी जी, अ सॉन्ग हैज बीन रिटन। 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले। Which means that the father of the 40 crores, that is Indians, has left. The life of the 40 crore Indians has left. Like how Radha's beloved left her and went away, so has the beloved one of the 40 crore unfortunate ones. Krishna is said to be Radha Vallabh. Baba has also called him as Gandhiji in Murlis. Gandhi Mara? राजकोट में कोई बड़े कांग्रेसी के घर में जाकर के जन्म लिए। अब वो बात कहाँ की है, अंदर की भी बात। गांधी क्या चाहते थे, राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य कर नहीं सके, स्थापन भी नहीं हुआ और कर भी नहीं सके। गांधी डाइड एंड टुक बर्थ इन द हाउस ऑफ अ बिग कांग्रेसमैन इन राजकोट, अ सिटी लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। नाउ व्हाट इज दैट रिलेटेड टू? It is also an internal matter. What did Gandhi desire? He wanted Ram Rajya, that is the kingdom of Ram. But he could not usher in Ram Rajya. Neither was it established, nor could he establish it. तो ये बात किसके ऊपर लागू होती है? ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी लागू, वेद में भी लागू होता है। ब्रह्मा बाबा भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य चाहते थे और राम राज्य कर नहीं सके, स्थापन भी नहीं हुआ और इतनी ज्यादा अब और ज्यादा रावण। सो ऑन हुम डज दिस मैटर अप्लाई? इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ब्रह्मा बाबा इन एन अनलिमिटेड सेंस। ब्रह्मा बाबा ऑल्सो वॉन्टेड राम राज्य, ही वॉन्टेड राम राज्य एंड कुड नॉट ब्रिंग अबाउट इट, इट वॉज नॉट इवन एस्टेब्लिश्ड। नाउ इवन मोर रावण राज्य वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो भुजाएं सहयोगी भले कोई बनाए, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। 100 भुजाएं 1000 भुजाएं सहयोगी बना ली वो भी ठीक है, लेकिन सहयोगी कितनों को बनाना है? सो वन में प्रिपेयर कोऑपरेटिव आर्म्स, बट दैट इज नॉट इनफ। वन में प्रिपेयर 100 आर्म्स 1000 आर्म्स एज कोऑपरेटिव्स, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट, बट हाउ मेनी आर टू बी मेड कोऑपरेटिव्स? सारी दुनिया को साथ लेकर के चलने का उद्देश्य रखना है, एम ऑब्जेक्ट रखना है, या थोड़ों को साथ लेकर चलने का उद्देश्य रखना है? सारी दुनिया का कल्याण हो, 1000 का कल्याण न हो। शुड वी एम टू टेक द एंटायर वर्ल्ड अलोंग विद अस, और शुड वी एम टू टेक ओनली अ फ्यू विद अस? द एंटायर वर्ल्ड शुड बी बेनिफिटेड, ओनली 1000 शुड नॉट बी बेनिफिटेड। इसलिए विष्णु के मंदिर में जहाँ कृष्ण की भोग लगाए जाते हैं, श्रीनाथ दरबारे में, तो वहाँ खीर माल पुआ भोग लगाया जाता है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको खरीदते हैं। दैट इज वाई इन द टेम्पल ऑफ विष्णु वेर भोग इज ऑफर्ड टू कृष्णा, इन द श्रीनाथ दरबार देर अ भोग ऑफ खीर मालपुआ दैट इज स्वीट्स इज ऑफर्ड एंड द प्रॉस्परस पर्सन बाय दैट। और जगन्नाथ मंदिर में सादा भोग लगाया जाता है, चावल दाल कढ़ी, बहुत सस्ता है, लेकिन वो सबको मिलता है बिना पैसे के। सबको मिलता है। एंड इन द जगन्नाथ टेम्पल अ सिंपल भोग इज ऑफर्ड, राइस पल्सेस करी मेड अप ऑफ बटर मिल्क एक्सेट्रा, इट इज वेरी चीप बट इट इज ऑफर्ड टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। यस इट इज ऑफर्ड टू एवरीवन। तो एक सर्व का कल्याणकारी और एक सिर्फ श्रेष्ठ का कल्याणकारी, ये अंतर पड़ जाता है। तो प्रजापिता को मानते तो सब है, ब्रह्मा को सब नहीं मानते, ब्रह्मा को सब नहीं मानते और प्रजापिता को सब मानते हैं। ऑक्यूपेशन उनका किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो धंधा क्या किया उन्होंने, उनके धंधे का पता नहीं है। So one is a benefactor of everyone and one is a benefactor of just the elevated ones. This is the difference. So
everyone believes in Prajapita. Everyone does not believe in Brahma. Everyone does not believe in Brahma and everyone believes in Prajapita. They do not know the occupation as to what he did. His occupation is not known. आत्मा की तो भुजाएं नहीं होती हैं, क्या? तो भुजाएं शरीरधारी की होती है या आत्मा की होती है? शरीरधारी होगा तो भुजाएं होंगी, शरीरधारी होगा तो कोई मददगार बनेगा। भुजाएं शरीर की होती है, 500 करोड़ ब्रदर्स हैं, तो उनकी भुजाएं कितनी हुई? Soul does not have arms. What? Does an embodied person possess arms or does a soul possess arms? If an embodied person is present, then the arms will be there. If an embodied person is present, then someone will become a helper. A body possesses arms. There are 500 crore brothers. So how many arms does he have? 500 crore brothers hain, to unki bhujaye kitni hui? 100 crore ho gayi na? है, हिसाब तो बुद्धि में आता है ना। जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जावे तो बाद की ये सब बातें हैं। When there are 500 crore brothers, so how many arms does he possess? 1000 crores, isn't it? Someone said double. The account comes to the intellect, isn't it? When someone understands the knowledge completely, then these matters come later on. पहले पहले तो मुख्य बात एक ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और मुझसे प्राप्त होने वाला जो वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति उसको याद करो। मुक्ति माने परम धाम, जीवन मुक्ति माने स्वर्ग। First of all, the main issue is only one. Father says, remember me and remember the inheritance of Mukti and Jivan Mukti, which is obtained through me. Mukti means Paramdham, that is soul world, and Jivan Mukti means Swarg, that is heaven. फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी यथा पॉइंट सुनाते रहते हैं। सारी पॉइंट्स तो कोई को याद रह न सके। अंत में सिर्फ तंत बुद्धि में चला जाता है। Then there is also a praise of the ocean of knowledge. He keeps narrating unlimited points. One cannot remember all the points. In the end, only the essence comes to the intellect. The summary comes. पिछाड़ी में तंत्र रह जाता है। क्या तंत्र रह जाता है? अभी तो ज्ञान का विस्तार हुआ। जब अंत होगा, संपन्न बनने की स्टेज आएगी, तब क्या रह जाएगा? In the end, the essence remains. Which essence remains? Now the knowledge has expanded. When it is the end, when it is the stage of becoming complete, then what will happen? Man mana bhav. Main atma bindu, mera baap, jyoti. Vistar sara khalas. To gyan ka sagar krishna nahi ho sakta. Hai? Sagar mana? बहुत विस्तार वाला। आई एम ऑल्सो अ पॉइंट, माई फादर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट। द एंटायर एक्सपेंस विल कम टू एन एंड। देयरफॉर कृष्ण कैनॉट बी द ओशन ऑफ नॉलेज। व्हाट डज ओशन मीन? वन विच इज वेरी वास्ट। पृथ्वी तो है विस्तार वाली, लेकिन दुनिया में देखा जाए तो पृथ्वी का हिस्सा ज्यादा है या सागर का हिस्सा ज्यादा है? तीन हिस्सा में सागर फैला हुआ है और एक हिस्सा में पृथ्वी फैली हुई है। अर्थ इज वेरी वास्ट, बट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड, देन इज द पोर्शन ऑफ अर्थ, दैट इज लैंड मोर, और इज द पोर्शन ऑफ ओशन मोर। द ओशन एग्जिस्ट इन 3/4 पार्ट एंड द अर्थ, दैट इज लैंड, एग्जिस्ट इन 1/4 पार्ट। तो बोला ज्ञान का सागर कृष्ण तो हो नहीं सकता, कह नहीं सकेंगे, वो तो रचना है। रचता तो एक ही है, वो ही सबका बाप हो गया। Therefore it has been said, Krishna cannot be the ocean of knowledge. No one can say so. He is a creation.
क्रिएटर इज ओनली वन, ही इज एवरीबडीज फादर. कौन? सबका बाप कौन हो गया? कौन सी सोल है जो सबका बाप हो गई? है शिव, वो रचता है. Who is everybody's father? Which soul is everybody's father? Someone said Shiv. Shiv, is he a creator? रचता तो वो होता है जो रचना रचता है. नहीं, जो रचना पहले नहीं थी वो रची. जैसे मिट्टी कोई रचना थोड़ा ही है, मिट्टी तो हमेशा ही है, हमेशा ही रहेगी. पांच तत्व कभी खत्म नहीं होते. Creator is the one who creates a new creation. The creation which did not exist earlier was created. Just as clay or soil is not a creation. Clay has always been there and will remain forever. The five elements never perish. लेकिन मिट्टी में से जो घड़ा बनाया, वो घड़ा बनाया, घड़े की रचना हुई, तो घड़ा रचना कही जाएगी और कुमार रचयिता कहा जाएगा. But the pot which was made with the clay, the pot that was created, so pot is a creation and the potter is the creator. तो शिव तो सदा है ही है. शिव रचयिता होने की बात नहीं. और किसको रचेगा? आत्मा को रचेगा. आत्मा भी सदा है ही है, अनादि. उनकी रचने की बात ही नहीं. Therefore, Shiv is always there. It is not the question of Shiv being the creator. And whom will he create? Will he create souls? A soul is always in existence. They are anadi, that is eternal. There is no question of creating them. लेकिन शिव जब साकार में किसी में प्रवेश करता है तब रचयिता. तो रचयिता है नई दुनिया का. अभी नई दुनिया नहीं है. अभी नई दुनिया नहीं है. बट वेन शिव एंटर्स इन टू अ कॉर्पोरियल मीडियम देन ही बिकम्स क्रिएटर. देयरफॉर ही इज अ क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड. नाउ द न्यू वर्ल्ड इज नॉट देयर. ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया नहीं बन सकती. क्या भाव है अंदर से? क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया? क्योंकि अंदर से भाव भरा हो ये सब मेरे बन जाए. क्या? मेरे सहयोगी बन जाए. द न्यू वर्ल्ड कैनॉट बी क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा. वॉट इज द फीलिंग इन साइड? वाई कांट इट बी क्रिएटेड? वाई कांट द न्यू वर्ल्ड बी क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा? इट इज बिकॉज देर इज अ फीलिंग विद इन दैट ऑल दीज सोल्स शुड बिकम माइन. वॉट? They should become my cooperatives. तो स्वार्थ आ गया ना. ये जो स्वार्थ आ जाता है वो परमार्थ सिद्ध नहीं होने देता. निस्वार्थ इस दुनिया में कोई नहीं है. So there is selfishness, isn't it? This selfishness does not allow the benefit of others to take place. Nobody is selfless in this world. भक्ति मार्ग में भी कहा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सारथ लाग करें सब प्रीति. In the path of worship also, it is said, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सारथ लाग करें सब प्रीति. Which means deities, human beings, sages, everyone follows this tradition. Everyone loves with a selfish motive. क्यों? जिनको रथ होगा उनको स्वार्थ जरूर होगा. रथ माना शरीर. रथ नहीं है जिसको, वो सिर्फ एक ही. कौन? शिव. Why? Those who possess a rath, that is chariot, will certainly have selfishness. Chariot means body. There is only one who does not possess a body. Who? Shiv. तो जब रथ ही नहीं है तो रचयिता कैसे? वो कोई न कोई रथ में, वो उस जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं,
उन 700-500 करोड़ मनुष्यों में से, आत्माओं में से कोई तो आत्मा ऐसी होगी जो उसके समान बनने वाली हो, निराकारी बनने वाली हो। सो वेन ही डज नॉट हैव अ बॉडी एट ऑल देन हाउ कैन ही बी द क्रिएटर? Among all the 500 to 700 crore human souls, there might be at least one such soul which will become equal to him, which will become incorporeal. ऐसी ही आत्मा में वो आकर के प्रवेश करके मुकर्रर रथ धारण कर लेगा, और मुकर्रर रथ धारण करके उसके द्वारा वो पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है। तो वो ही सबका बाप हो गया, सबको वर्षा देंगे और सबको घर ले जाएंगे। He comes and enters into the body of such a soul and assumes it as the chosen chariot. And by assuming that chosen chariot, he transforms the old world into a new world. He happens to be everybody's father. He will give inheritance to everyone and take everyone back home. Brahma sabko varsha bhi nahi de pata aur sabko ghar wapas bhi nahi le ja sakta. Baap ka tatha atmaon ka ghar hai hi silence. ये बाप का भी घर है क्या? साइलेंस होम। और जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, चाहे कितनी ही अशांति की दुनिया में आकर के जन्म लिया हो, सबका वो साइलेंस होम, वो ही सबका घर है। ब्रह्मा इज अनेबल टू गिव इनहेरिटेंस टू एवरीवन एंड ही इज नॉट इवन एबल टू टेक एवरीवन बैक होम। द होम ऑफ फादर एंड सोल्स इज साइलेंस होम ओनली। This is Father's home also. What? The silence home. All those souls that are present in this world, they might have taken birth in however much peaceless world. Still, that silence home is the home for everyone. Bhushapuri ko baap ka ghar tatha bachchon ka ghar विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। बाप का घर है विष्णुपुरी, विष्णुपुरी माने सुखधाम, वो बाप का घर नहीं है। घर किसका है? शिव बाबा घर का है। शिव बाबा ने बनाया। शिव बाबा जो है जिस साकार में आता है उसके द्वारा नई दुनिया सुखधाम बनाता तो है, लेकिन उसका घर नहीं है। अगर घर होता तो रहता। विष्णुपुरी दैट इज अबोर्ड ऑफ विष्णु विल नॉट बी सेट टू बी द होम ऑफ फादर। इज विष्णुपुरी फादर्स होम? विष्णुपुरी मीन्स सुखधाम, दैट इज अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज नॉट फादर्स होम। Whose home is it? Someone said, Shiv Baba's home. Then where is Shiv Baba's home? Shiv Baba created it. The corporeal body in which Shiv Baba comes, he does create the new world, abode of prosperity through him. But it is not his home. Had it been a home, then he would have stayed in it. Shiv jo hai, wo swarg mein rehta hai kya? Nahin. Rehta hi nahi, to uska ghar kahan hua? Nahin. Wo kahan rehta hai? परम धाम में, शांति धाम में, साइलेंस होम में। तो साइलेंस होम बाप का घर है, और ये नहीं कहेंगे कि बच्चों का घर है। Does Shiv live in heaven? When he does not live, so how can it be his home? Where does he live? He lives in Param Dham, Shanti Dham, Silence Home. Therefore, Silence Home is Father's home. It will not be said that it is children's home. क्या बच्चों को घर नहीं कहेंगे साइलेंस होम को? बच्चों का भी घर है, बाप का भी घर है, सब वहां जाके शांति अनुभव करते हैं। जैसे कोई घूमने जाए, पर्यटन करने जाए, राज्य में चक्कर लगाने जाए, तो थोड़ा घूमने फिरने में तकलीफ होती है। घर में आता है तो चैन से रहने का अनुभव करता है। What? Will silence home not be called as children's home? It is children's home also. It is father's home also. Everyone experiences peace after going there.
Just as when someone goes on travel, goes on a tour, goes on a visit throughout the state, then he experiences some difficulty in traveling. When he comes home, he feels relaxed. तो ऐसे ही शिव भी इस सृष्टि पर आकर के इस पतित दुनिया में आकर के कहते हैं मेरे को ऐसे पतित बच्चों में आना पड़ता है, इन पतितों का साथ निभाना पड़ता है, इनको दृष्टि देनी पड़ती है. सो सिमिलरली शिव ऑल्सो कम्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस सिंफुल वर्ल्ड एंड सेज, आई हैव कम इन द मिडस्ट ऑफ सच सिंफुल चिल्ड्रन. I have to maintain with these sinful ones. I have to give them drishti. मजबूरी पड़ती है मैंने मजबूरी है. लेकिन उन्हें चैन तब मिलता है जब वो वापस परमधाम जाते हैं. It is a compulsion. पड़ती है means that there is a compulsion. Nevertheless, he feels relaxed only when he returns to the soul world. तो विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन. क्यों? विष्णुपुरी इतना सुखधाम, वहाँ बाप का घर क्यों नहीं है? वहाँ बाप रहना पसंद क्यों नहीं करते? So, Vishnupuri will not be said to be father's home. Home is the soul world, Mool Vatan. Why? Vishnupuri is such an abode of happiness. Why is it not father's home? Why doesn't father like to stay there? और बच्चे भी उनको नहीं बुलाते कि तुम यहाँ आ जाओ. सुख मिल गया तो बच्चे सुख मिल जाते, तो बाप को याद नहीं आते, बाप की याद भूल जाते. तो ये अच्छी बात है क्या? है बड़े स्वार्थी है. एंड इवन द चिल्ड्रन डू नॉट कॉल हिम सेइंग दैट यू कम हियर, दे फॉरगेट फादर्स रिमेम्बरेंस. सो इज दिस अ गुड थिंग? समवन सेड नो नो, दे आर वेरी सेल्फिश. क्योंकि बाप सुख नहीं चाहता. बाप 10 बच्चों का 15 बच्चों का बाप हो वो क्या चाहता है? हमारे बच्चे जीवन भर सुखी रहे, पेत्रे पोत्रे पड़पोत्रे सब सुखी बने रहे. हमको भले इस जीवन में दो भोग लेना पड़े. बिकॉज फादर डज नॉट वॉन्ट हैप्पीनेस, वॉट डज अ फादर ऑफ 10 चिल्ड्रन, फादर ऑफ 15 चिल्ड्रन वॉन्ट? समवन सेड एवरीवन शुड बी पीसफुल. नो, all my children, my grandchildren, my great grandchildren should remain happy throughout their life, even if I have to experience sorrows in this life. जैसे घर में आग लगती है ना, तो सच्चा बाप होगा तो सब बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों, सबको निकालने की कोशिश करेगा. और झूठा बाप होगा पहले हम तो बच रहे. तो विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन. फॉर एग्जाम्पल, when the house catches fire, then if a father is truthful, then he will try to save all the children, the young and the old, everyone. And if a father is not truthful, then he will think, let them die, let me save myself first. Therefore, Vishnupuri will not be said to be father's home. Home is the soul world. ये गहरी गहरी बातें हैं. क्या क्या गहरी गहरी बातें हैं? घर है मूल वतन, जहां से सब आत्माएं आती हैं. इन गहरी गहरी बातों को सेंसिबल बच्चे ही समझ सकेंगे और धारण कर सकेंगे. दीज आर डीप मैटर्स. वॉट वॉट आर द डीप मैटर्स? द होम इज सोल वर्ल्ड फ्रॉम वेयर ऑल द सोल्स कम. ओनली द सेंसिबल चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब दीज डीप मैटर्स. इतना सारा प्लान कोई की बुद्धि में याद रह न सके, न इतने कागज रख सकते हैं. ये जो मुरलियां निकलती हैं, वो सब की सब इकट्ठी करते जावे तो इससे सारे हाल से भी जास्ती हो जावेंगे. Nobody's intellect can remember such a big plan, nor can one keep so many papers. If one starts collecting all the murlis that are being released, then it will be more than the space in this entire hall. ढेर कागज छपते हैं, उस पढ़ाई में भी कितनी ढेर किताबें होती हैं. परीक्षा पास कर ली, फिर बैटरी बैरिस्ट्री का तंत्र तो बुद्धि में आ जाता है. शरीर निर्वाहार्थ बैरिस्टर बन जाते हैं, एक जन्म के लिए बनते हैं.
so many papers get published. In that study also, there are so many books. When one passes the examination, then the essence of barristership comes in the intellect. One becomes barrister for the sake of livelihood. They become for one birth. अलग काल का सुख मिल जाता है, लेकिन वो है विनाशी कमाई। चाहे डॉक्टर बनो, चाहे मिनिस्टर कलेक्टर बनो, चाहे वकील बनो, जज बनो, चाहे इंजीनियर बनो, वो है एक जन्म की कमाई और विनाशी कमाई, इसी जन्म में खलास हो जाएगी। They get temporary pleasures, but that is perishable income. Whether you become a doctor, a minister, a collector, an advocate, a judge, or an engineer, that is an income for one birth and is a perishable income. It will exhaust in this birth itself. और ये जो पढ़ाई पढ़ाते हैं बाप, गॉडली पढ़ाई, ये 21 जन्म की ही नहीं है, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म, अर्थात पूरे 84 जन्म इसकी प्रारब्ध मिलती है। 21 जन्म का जैसा हम यहाँ पुरुषार्थ कर लेंगे, वैसे ही पुरुषार्थ करने की रग हमारी आत्मा में भर जाएगी। And this study, the godly study that father is teaching, is not just for 21 births, but on the basis of 21 births, we get its fruits for 63 births, that is complete 84 births. As the efforts we make here for 21 births, the same tendency of effort making will get recorded in our soul. क्या वो अंदर से संस्कार भर जाएगा तीव्र पुरुषार्थ करने का? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ अभी ही कर सकते हैं और बाप ही करा सकते हैं, और दुनिया में ऐसे संस्कार भरने वाला कोई नहीं है। What? The sanskar or results of making swift efforts will get recorded within. Such swift efforts can be done only now, and only the father can enable us to make such efforts. Nobody else in the world can fill such sanskars in us. तो वो सब विनाशी कमाई कराते हैं, विनाश के नजदीक आते जाते हैं, विनाशी कमाई कराते जाते हैं और विनाश के नजदीक आते जाते हैं और कमाई कम होती जाती है। So, they all enable earning perishable income. They keep coming closer to destruction. They enable earning perishable income and come closer to destruction. And the earning goes on reducing. क्या? खर्चा ज्यादा और कमाई कम होती जाती है? तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है। तुम क्या कहेंगे? हमारी कमाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। What? The expenditure keeps increasing and the earning keeps reducing. You will say that the earning keeps on increasing. What will you say? Our earning is multiplying day and night. तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है और ये तो सब खत्म हो जानी है। जो विनाशी कमाई है वो सब खत्म हो जानी, आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अब तो वो भी नहीं है, थोड़ा बहुत जिनके पास है भी वो भी छीन लेंगे। You will say that the earning keeps increasing and all this is going to be destroyed. All the perishable income will get destroyed. Earlier, kings etc. used to have an earning. Now, even that is not available. Whatever little is available with some of them will also be snatched. Yeah? अभी सरकार, गवर्नमेंट कैसी होती जा रही है? खाऊ होती जा रही है। जो भी है गरीब और गरीब होते चले जा रहे और गिने चुने साहूकार और ज्यादा साहूकार होते जा रहे। What? Now, how is the government becoming? It is becoming greedy. The poor people are becoming poorer and the few rich people are becoming richer. दुनिया में साहूकारों की संख्या ज्यादा है या गरीबों की संख्या ज्यादा है? गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, साहूकारों की संख्या घटती जा रही है। Is the number of rich people more in the world or is the number of poor people more? The number of poor people is increasing. The number of rich people is reducing.
तो तुम्हारी कमाई कितना समय चलती है? उन वकीलों की, उन डॉक्टरों की, उन इंजीनियरों की, बड़े बड़े इंजीनियर जो होते हैं, जैसे जहाज पर काम करने वाले, हवाई जहाज पर काम करने वाले जो इंजीनियर होते हैं, कितना पैसा कमाते हैं? लाखों रुपया महीना कमाते हैं। उनकी कमाई सब खलास हो जाएगी। यू आर अर्निंग कंटिन्यूस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। दोज एडवोकेट्स, दोज डॉक्टर्स, दोज इंजीनियर्स, द बिग इंजीनियर्स, फॉर एग्जाम्पल द वंस वर्किंग ऑन शिप्स, those working on the aeroplanes earn so much. They earn lakhs of rupees per month. All their earning will perish. क्यों? ये क्या बात कह दी? क्यों खलास हो जाएगी? अरे पेट में तो पावर आटा ही जाता है, इससे ज्यादा जाता है क्या? नहीं। Why? What has been said? Why will it perish? Well, only about quarter kg of flour can be consumed by the stomach. Can anything more be consumed? No. All that earning is going to perish. वो सब कमाई खत्म हो जानी है। आगे राजावाद की कमाई चलती थी, अब तो वो भी नहीं रहे। थोड़ा बहुत जिनके पास है वो भी छीन लेंगे। तुम्हारी कमाई कितना समय चलती है? तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। All that earning is going to perish. Earlier, kings etc. used to have an earning. Now, even that earning does not exist. Whatever little they possess will also be snatched. Your earning continues for such a long time. You know that this is a preordained drama, which is not known to anyone. तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनको धारणा होती है ज्ञान की। सबको एक जैसी ज्ञान की धारणा नहीं होती है। There are number wise among you also who imbibe the knowledge. Everyone does not imbibe the knowledge in the same way. कई तो बिल्कुल ही दूसरों को समझाए ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? हैं? खुद समझते नहीं है पूरा, तो दूसरों को नहीं समझा सकते। Many cannot explain to others at all. Why can't they explain? They do not themselves understand completely, so they cannot explain to others. क्या खुद बात समझेंगे तो दूसरों को समझाएंगे, खुद ही नहीं समझे होंगे तो दूसरों को नहीं समझाएंगे। क्या पांच चित्र है ना, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण। वॉट इफ समवन हिमसेल्फ अंडरस्टैंड्स द मैटर देन ही कैन एक्सप्लेन टू अदर्स। व्हेन वन हैज वनसेल्फ नॉट अंडरस्टूड then one will not explain others. What? There are five pictures, isn't it? Trimurti, Gola, that is world cycle, Jhad, that is world tree, Siri, that is ladder, and Lakshmi Narayan. Murali mein bola hai, mere nazdik rehne wale bacche bhi mere ko nahi pehchan paate. Mummy se zyada, badi mummy se zyada nazdik to koi raha nahi baba ke paas. उन्होंने भी सब चित्रों की समझानी दी। इट हैज बीन सेड इन द मुरली इवन द चिल्ड्रन हु लिव क्लोज टू मी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज मी। नोबडी हैज रिमेन्ड क्लोज टू बाबा मोर देन मम्मी, बड़ी मम्मी, दैट इज सीनियर मदर। शी हैज ऑल्सो गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द पिक्चर्स। गोले की समझानी दी, झाड़ की समझानी दी, लक्ष्मी नारायण के चित्र की समझानी दी, सीढ़ी के चित्र की समझानी दी, त्रिमूर्ति के चित्र की समझानी कभी नहीं। क्यों? एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड साइकिल वॉज गिवन, एक्सप्लेनेशन ऑफ कल्प ट्री वॉज गिवन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण वॉज ऑल्सो गिवन, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पिक्चर ऑफ द लैडर वॉज गिवन। वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पिक्चर ऑफ त्रिमूर्ति एवर गिवन? समवन सेड नो। Why? जो चीज खुद ही बाप का परिचय नहीं समझ सके तो दूसरों को भी नहीं समझा सकते। The one who could not herself understand the introduction of father cannot explain to others also. ओम शांति।